हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सभी में, और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया सर्वाइवल बोल का आर्क असेंडेड का। सो आर्क असेंडेड के पिछले एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा होगा, फाइनली हम लोग ने हमारा पूरा जो गाइस घर है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है बना के। और अभी आज का ये वाला जो एपिसोड है, इस एपिसोड में हमारे पास जो है गाइस काफी ओपी वाले कुछ और डायनोज जो है वो आने भी वाले हैं। ठीक है, वो डायनोज कौन से होंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जो नए बंदे होंगे यार चैनल पे, फटाफट से इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड अगर आपको आर्क किसी आर्क मोबाइल माइनक्राफ्ट रस्ट या किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर बनाने, सो नीचे डिस्क्रिप्शन में निट्राडो का लिंक है, वहां से आप लोग बना सकते हो। सो निट्राडो सर्वर को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर से चेकआउट कर लेना गाइज। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, पिछले एपिसोड में हम लोग ने रैप्टर को नॉकआउट करके क्लब से वहां पे बेहोश करके रखा है, जो अभी तक टेम नहीं हुआ है। सो उसके टेम होने का इंतजार जो है ना जो तुम्हारा भाई कर रहा है। और अभी साथ में मैं अपने पैरासोरस को जो है ना लेवल अप भी कर रहा हूँ, क्योंकि पिछला पैरासोरस हमारा पेगो के हाथों मारा गया था। मैं नहीं चाहता अपने इस वाले पैरासोरस के साथ भी वही हादसा हो जाए, इसलिए मैं अपने इस वाले पैरासोरस को जो है ना आराम से यहाँ पे लेवल अप करके रखूंगा, ताकि इसको कोई भी जो है ना अंडो पांडो आके मार के ना चला जाए। इसके थोड़े से हेल्थ में और वेट में तो मैंने काफी पॉइंट डाल दिए हैं, थोड़े से हेल्थ में पॉइंट डालूंगा और थोड़े से डैमेज में पॉइंट डाल देंगे। उसको टेम होने में टाइम तो है, पर बारिश आ रही है क्या, कितने बज गए, 10 बजे हुए, वेदर ऐसा क्यों है ऑरेंज ऑरेंज भाई, लग रहा है गाइस बारिश आने वाली है या तो कुछ तो आने वाला है, इसलिए वेदर ऐसा हो चुका है। मुझे भाई पैरासोरस की जो ना गाइस लेवल अप करनी एकदम तगड़ी वाली, मुझे इसके जो ना कि इस डैमेज में पॉइंट डालने हैं, ताकि अगर कोई इसके ऊपर हमला करता है ना पेगो वगैरह जैसा डायनो, तो ये हमारा पैरासोरस उस बेचारे पेगो वगैरह से बच पाए, पिछली बार की तरह जो ना कि इस मारा ना जाए। चलो अभी मैं फटाफट से आई थिंक से इतनी लेवल अप इनफ होनी चाहिए। रैप्टर भी कुछ ही, जब तक रैप्टर का स्टेम नहीं होता तब तक मैं इससे आजू बाजू की घास फूस तोड़ने का काम करता हूँ, और जितनी भी लेवल अप आएगी वो सारे अभी इसके डैमेज में डाल दूंगा। मैंने हेल्थ इसकी 500-600 कर दी है, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसका डैमेज बढ़ाऊंगा। बेरीज देख रहे हो भाई, कचरे की तरह बेरी इकट्ठा कर ली है इसने, कचरे की तरह लिटरली इतनी सारी बेरीज इकट्ठा कर लेना अपने पैरासोरस ने, क्या बताऊं मैं आपको। और यहाँ पे कहीं पे स्पाइनो भी है, उससे भी बचना है मेरे को थोड़ा, वो स्पाइनो वरना मैं बैंड बजा सकता है अपनी। ठीक है चलो, ऑलमोस्ट गाइस अपना रैप्टर जो है वो वहां पे टेम होने वाला है, ऑलमोस्ट। उसका मैंने सैडल जो है वो पिछले वाले एपिसोड में ही बना लिया था। और एक मिनट भाई, जल्दी जल्दी जाने दो मुझे वहां पे, क्योंकि रैप्टर के साथ जो है ना गाइस हम लोग को दो बच्चे फ्री मिल रही है, स्कीम चल रही है भाई, रैप्टर के साथ दो बच्चे फ्री, दिखाता हूं गाइस, रुको आपको भाई। पैरासोरस ओपी है बना गाइस, चलो अभी जा रहा हूं मैं रैप्टर के पास। वो जो रैप्टर मैंने गाइस वहां पे नॉकआउट करा था ना, उसके दो बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं अपने मम्मी के, पप्पा के, मम्मी नहीं है वो, पप्पा के उठने का। जैसे वो टेम होगा तो रैप्टर के बच्चे भागना शुरू हो जाएंगे। अभी से भागना शुरू क्या, अभी से भागना शुरू कहाँ गई भाई, दूसरा रैप्टर का बच्चा कहाँ है, एक ही दिख रहा है मेरे को, दूसरा बच्चा कहाँ पे, दूसरे बच्चे को मैंने उधर कहीं पे जाते हुए देखा। जैसे ही रैप्टर टेम होगा ना, ये बच्चा भागना शुरू कर देगा। एक और बच्चा है, वो रहा आ गया आ गया आ गया आ गया गाइस, ये देखो ये दो बच्चे भी फ्री में मिलेंगे, वो भी 135 लेवल के, मेल और मेल। और ये अच्छा, ये फीमेल है दोनों बच्चे, और जो इनका ये पप्पा है गाइस वो मेल है, तो हमारे पास मेल एंड फीमेल जो है गाइस वो हो जाएंगे रैप्टर्स। हम रैप्टर के आर्मी बना सकते हैं, वो भी काफी ज्यादा हाई लेवल वाले रैप्टर्स की, मजाक हो रहा है क्या। ये कितना टाइम हो गया है, मीट तो है ना, मीट है इसके अंदर, अब मुझे मीट का थोड़ा जुगाड़ भी करना पड़ेगा भाई, क्योंकि जो ये अपना रैप्टर है ना, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके बच्चे जो है गाइस उनको थोड़ा सा मीट डालना पड़ेगा बड़े होने के लिए इनके इन्वेंट्री में। ठीक है चलो आ जाओ, ऑलमोस्ट 92% आई एस। भाग रहे बच्चे को क्लेम करना है इस वन जी जी। दूसरा बच्चा कहाँ भाग रहा भाई, नहीं भाग भाग के जाएगा कहाँ पे है, भाग रहा है भाई, देख रहे हो भाग रहे बच्चे, रेड रेड कलर के बच्चे मिले मेरे को, काफी कूल वाले। ठीक है इसके ऊपर बैठ चुका हूँ मैं, पहले बच्चों को जो ना इस घर पे लेके चलता हूँ। आ जाओ बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी को पहले घर के अंदर लेके जाऊंगा मैं, घर के अंदर, ठीक है दोनों बच्चों को। अरे रुक जाओ, घर के अंदर जाते जाते रास्ते में पेटी ना बन जाए, रुक भाई थोड़ा मीट डाल देता हूँ मैं तेरे अंदर, ठीक है, मैं छुटकों के अंदर थोड़ा मीट डाल देता हूँ। बच्चे को देना क्या, उनको भाई भूख बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ना मीट डाल देता हूँ इनके अंदर। आ जा दोनों बच्चे आराम से आओ, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं, आ जाओ
शाबाश। ये पे रुको, दरवाजा बंद कर लू। ठीक है, आइयो। भाई ब्रिज बना के, भाई मैंने एक अच्छी चीज तो करी है, काम तो आ रहा है गाइस। हमारे ब्रिज काफी ज्यादा देख रहे हो गाइस, काम तो आ रहा है भाई, देख रहा हूँ, इजी पीजी। बाकी भाई अभी तू अनफॉलो, स्टॉप फॉलोइंग भाई इसको, विसल स्टॉप फॉल, स्टॉप फॉलोइंग भाई। बच्चों बच्चा पार्टी घर के अंदर, घर के अंदर इसलिए मैं इनको रख रहा हूँ क्योंकि घर के अंदर ये थोड़े सुरक्षित रहेंगे। बच्चा पार्टी आ जाओ, दूर से अंदर आओ, अंदर अपना ही घर है, अपना ही घर है, बिंदास अंदर आओ, शाबाश। आ जा अंदर यहाँ पे स्टॉप। हाँ ये बड़ा जब हो जाएगा बच्चा तब डोर वगैरह पिकअप करके मुझे इसको बाहर निकालना पड़ेगा, बट अभी के लिए जो है ना कि जिसको भाई बहुत ज़्यादा खतरा है इसलिए मैं अंदर ही रख रहा हूँ और स्टॉप ऑल कर देता हूँ। चलो ठीक है, इसको जो ना कि इस मीट की ज़रूरत पड़ेगी। मैं एक काम करता हूँ, अभी रैप्टर्स, ये पैरासोरस का सैडल मेरे पास कैसे पड़ा हुआ है, वो पुराने वाले पैरासोरस का सैडल है अपने ये। ठीक है, इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है डन, मेरे पास एक मैप है, इस मैप को हम लोग यहाँ पे कहीं पे लगा देते हैं लाइक दिस, डन। ये जो गाइस हमको मैप मिला है ना, ये हमको मिला था ड्रॉप में भाई, ठीक है, मजे ही मजे आ गए। चलो अभी मैं एक फटाफट से काम कर लेता हूँ अपना। अरे यार अपने रैप्टर्स के लिए रुक जाओ यार, खाना चाहिए होगा भाई, रुक जाओ, ये रैप्टर को लेके जाता हूँ, थोड़े से डायनोस को मार के खाना लेके आता हूँ। ठीक है भाई, मुर्गी को मारने का मन तो कर रहा है बट प्रॉब्लम क्या पता है, मुझे उस मुर्गी की हेल्थ कितनी है ना उसके बारे में खास कुछ आइडिया नहीं है। ऐसा ना हो मुर्गी को मारने के लिए जाओ मैं रैप्टर से, उल्टा वो रैप्टर को पेल दे, लपेटे में ले ले, इसलिए थोड़ा डर भी लग रहा है मेरे को अभी। रुक जाओ, ये भाई लोकेशन जो दिखती रहती है ना इसको मैं मार्क से हटा देता हूँ यहाँ से। कछुए से यहाँ पे पंगा नहीं लेना चाहूंगा मैं क्योंकि फिर वो घर के अंदर के डायनोस है ना वो थोड़े से बावड़े हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए थोड़े पंगे ना लेना चाहूंगा। इधर आ बेटा, इधर आ, बोल बेटा मस्ती नहीं, इससे मुझे काफी ज्यादा जो ना कि मीट मिल जाएगा। भाई पकड़ के रख दिया भाई उसको, देखो कैसे पकड़ के मार रहा है, देखो बोलो जुबा केसरी वाला भी आ गया मारने के लिए। 119 का डैमेज गाइस जा रहा है, 119 का डैमेज जो है गाइस वो दे रहा हूँ मैं। अच्छी बात है कि वो मेरे मीट को खा नहीं रहा, वो मीट को खा नहीं रहे जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, इसके बच्चे बिच्चे को सबको मार दूंगा मैं। यार मुझे जो ना कि हैचेट से इस मीट को हार्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा वरना दिक्कत हो जाएगी। मैं इसकी 2000 हेल्थ कर रहा हूँ गाइस अपने रैप्टर की, स्टैमिना में थोड़े पॉइंट और वेट में तो पॉइंट डालने ही है क्योंकि अभी फिलहाल के लिए मेरा वेट कम है, लेकिन बाद में जाके वेट भाई काफी ज्यादा बढ़ा लेंगे हम लोग। मतलब कोई चीजें वगैरह इन्वेंटरी में आ जाती है तो बढ़ जाएगा बेटा ऑटोमेटिकली ना मेरा। ए भाई रैप्टर मुझे हार्वेस्ट करने दे बेटा, हार्वेस्ट मुझे करने दे, मुझे हार्वेस्ट करना है गाइस। ठीक है चलो, मेरे को हार्वेस्ट करना है तो अपना रैप्टर ही भाई वहाँ पे खा रहा है, किसको मार रहा भाई। मुझे गाइस अपने रैप्टर के बच्चों के लिए खाने का जुगाड़ करना है यहाँ पे। मर जाना भाई डिलो के बच्चे, डैमेज काफी बढ़िया जा रहा है यार, देखो जकड़ के मार रहा हूँ तो भी डैमेज काफी बढ़िया पड़ रहा है। चलो 17 और मीट मिल गया, लगभग दो भाई स्पाइनो से दूर रहना भाई, लगभग 3 या 4 स्टैक मीट के मिल जाए ना, 6 स्टैक चाहिए मुझे, वो काफ़ी स्टैक मिल गए। इसके अंदर एक स्टैक रहेगा, बाकी 1 2 3 4 5 और थोड़े से स्टैक, वेट में थोड़े पॉइंट, 500 600 वेट भाई लगभग। क्या मैं एक ट्राइक को अपने रैप्टर से मार सकता हूँ, इज दिस पॉसिबल? 15 लेवल का ये, ट्राई करते चलो क्योंकि इससे मीट काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा, लेवल अप भी मिलेगी बट मीट भी मिल जाएगा साथ में। ठीक है मीट भी मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया, ओके नाइस वन। एक और स्टैक गाइस मीट मिल चुका है मुझे, मैं ऐसे ही कर करके जो ना गाइस अपनी रैप्टर की लेवल अप करूंगा। 600 गाइस इसका वेट रहेगा, बाकी अभी बचे हुए जितने भी पॉइंट आएंगे वो मैं इसके मिली डैमेज में डाल दूंगा। ठीक है, ये ट्राइक्स वगैरह कोई मार मार के मीट ले लूँ क्या मैं, क्या बोलते हो, कितने लेवल का है? 20 लेवल का तो है, मार दूंगा यार, जंप मार देता हूँ। जंपिंग जपाक वर्क करता है इधर? नहीं यार, इसके ऊपर जंप वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये काफी बड़ा डायनो है ना, इसलिए ऑलमोस्ट डेड है ये, इज ऑलमोस्ट डेड गाइस, काफी बढ़िया, इज ऑलमोस्ट डेड। ओके ठीक है, 59 मेरे पास टोटल मीट आ चुका है, मैं थोड़े से और यहाँ पे डीलो वगैरह को मार के मीट जो है गाइस वो घर पे लेके जाता हूँ। ठीक है, अभी इसको मैं न्यूट्रल कर रहा हूँ ताकि अगर घर पे कुछ हमला वगैरह होता है तो अभी ये जो है ना गाइस जो भी हमला करे उसकी बैंड बजा सके। ओके, इसलिए न्यूट्रल करके मैंने रख दिया पहले।
इसको मैं जकड़ सकता हूँ ना गाइस, रुको मैं इसको पैरों में जकड़ूंगा ना भाई, ये लो, पानी के अंदर नहीं जकड़ सकता मैं शायद से, हाँ यहाँ पे जकड़ लूंगा, रुको, हाँ भाई लेट्स गो, पकड़ लिया भाई, मेरे पैरों में पकड़ के गाइस ओविराप्टर का गेम ओवर, गेम बजा देंगे, पैरों में पकड़ के गेम खत्म, पैरों में पकड़ के गेम बजा दिया भाई मैंने उसका, मजाक दौड़िया है। चलो अभी गाइज अपने जो बच्चे रैप्टर्स के उनके लिए इनफ मीट जो है गाइज हम लोग ने इकट्ठा कर लिया है, सो फटाफट से ये जो मीट है वो मैं डाल देता हूँ अपने प्यारे से रैप्टर्स के बच्चों के अंदर। कैसे हो बच्चों? वो बच्चा पार्टी ने सारा मीट खा लिया है, ये लो मीट लो तुम, तुम कैसा बच्चे, तू भी मीट ले ये। ठीक है लगभग 4 स्टैग डाल दिया, 3 स्टैग डाल दिया, 4 डाल देता हूँ रुको, और ये हम लोग डाल देंगे बाकी का बचाओ मीट यहाँ पे, ताकि फीडर से हमारे डायनो जो है जो मीट खा सके, एंड जो मेरे पास बेरीज वगैरह है वो भी मैं यहाँ से उठाता हूँ रुको, ये बेरीज वगैरह मैं यहाँ पे फीडर के अंदर डाल देता हूँ। वैसे बेरीज खाने वाला कोई मेरे पास डायनो है तो नहीं, बट फिर भी डाल के रख देता हूँ। अभी गाइस मुझे क्या करना है, मुझे थोड़ा सा ऐसे मेटल निकाल लेना है और मैं एक स्मिथी बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। स्मिथी अनलॉक्ड नहीं है, स्मिथी अगर बन जाए और सारे अपने वेपन्स बन जाए तो मज़ा आ जाएगा, मेटल के, मेटल के वेपन्स बन जाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा गाइस। सिकल, उसके बाद क्रॉसबो वगैरह, क्रॉसबो वगैरह मैं बना लेता हूँ। ठीक है एंड स्मिथी कहाँ पे अपना स्मिथी, ये रहा ना, इसमें वुड वुड चाहिए स्मिथी बनाने के लिए और स्टोन चाहिए। ठीक है मैं लेके आता हूँ, रुको एक मिनट रुक जाओ, पहले तो इसके अंदर जो सामान है वो मैं घर के अंदर वाले उसमें शिफ्ट कर दो भाई, ये बाहर के गाइस बक्से में जो सामान रखा हुआ है वो मैं घर के अंदर शिफ्ट कर लेता हूँ फटाफट से। ठीक है इसको हम घर के अंदर शिफ्ट कर लेंगे आराम से, घर के बाहर वो ऐसे भाई मैंने बैकअप के लिए लगा के रखा था। स्पेयर वगैरह या भाई मैं पाइक का ही स्पेयर, वो मेटल का ही स्पेयर बना लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेयर भी हम लोग मेटल का बना लेंगे, नो प्रॉब्लम हो। स्टोन मेरे पास पड़ा हुआ है एक्चुअली, मैं इसको डिमोलिश कर लेता हूँ, स्टोन मेरे पास पड़ा हुआ है, वुड भी गाइस अपने पास पड़ा हुआ है, रुको उसकी मदद से स्मिथी वगैरह बना लेता हूँ मैं, स्मिथी बन गया, फाइबर चाहिए होगा एंड थोड़ा हाइट चाहिए होगा, वुड और थोड़ा चाहिए होगा, रुको स्मिथी को लगा के अभी मैं हमारे जो टूल्स हैं ना मेन वो बनाने का काम चालू कर देते हैं हम लोग। स्मिथी को मैं लाइक दिस यहाँ पे लगा दूंगा एंड इसके अंदर हमको वुड, फाइबर, स्टोन, फ्लिंट वगैरह, और फ्लिंट यहाँ पे डाल के स्पार्क पाउडर जो है गाइस वो बनाने के लिए डाल देता हूँ, पाउडर, गन पाउडर भी, और सीमेंटिंग पेस्ट, सीमेंटिंग पेस्ट भी अनलॉक है बराबर, थोड़ा सीमेंटिंग पेस्ट एंड थोड़ा सा स्पार्क पाउडर मैंने बनाने के लिए यहाँ पे डाल दिया है। बाकी जो वुड वगैरह है वो यहाँ पे मैं डाल के वेपन्स में जाएंगे, मिली में जाएंगे, पहले तीनों वेपन्स बनाने हैं अपन को, उसके बाद एक पाइक भी बना लेता हूँ ना मैं, काम आ जाएगी यार, काम आ जाएगी, एक मिली में एक पाइक बनाने के लिए आई थिंक से मेटल इनगट कम पड़ रहा है, रुक जाऊँ मैं यहाँ से थोड़ा मेटल इनगट ले लेता हूँ 40 और अरे यार वो भी बनानी है हमको, ठीक है वो भी बनानी है, मिली वेपन एंड एक क्रॉसबो बना लेनी है, ये बन गई क्रॉसबो। तो हमारे पास जो है ना गाइस मेटल के सारे वेपन जो है गाइस वो अभी आ चुके हैं, ये वुड के वेपन्स को हम लोग भाई यहाँ पे अभी एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है पाइक यहाँ पे लगा देता हूँ एंड इसको यहाँ पे, टॉर्च तो हमारे पास रहने दो, इसको यहाँ पे डालेंगे, इसको यहाँ पे लगाएंगे। एरोज कहाँ पे डाल दी मैंने, रुक जाओ मुझे एरो चाहिए, 53 एरोज, डन 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 डन। तो सारे वेपन्स जो है वो हम लोग ने गाइस अभी यहाँ पे बना लिए हैं और अभी हमारे पास मेटल के जो है गाइस वेपन्स पड़े हुए हैं। ठीक है ये देखो मेटल के वेपन जो है गाइस वो है, इससे हम लोग जो है ना गाइस काफी ज्यादा फाइबर, देख रहे हो कैसे भाई एक पटके में इकट्ठा कर पा रहा हूँ मैं, काफी सारा फाइबर, काफी सारा मेटल, ये सारी चीजें जो है ना गाइस अभी हम लोग हमारे इन टूल्स की मदद से ये देखो इकट्ठा कर सकते हैं। रुको गाइस मैं थोड़ा ना मेटल इकट्ठा करके अपने स्मिथी के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है गाइस थोड़ा मेटल यहाँ से इकट्ठा करके स्मिथी के अंदर डाल देता हूँ। और जो आर्क सुप्रीम वाला मॉड आया है ना, मैं सोच रहा हूँ गाइस वो मॉड जो है वो भी मैं गाइस यहाँ पे डाल दूँ सिंगल प्लेयर में ही। आप बाकी बताना कि आर्क सुप्रीम जो है गाइस वो मॉड मुझे डालना चाहिए या नहीं। ठीक है उससे भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले क्रीचर ना अपने इस आर्क में आना शुरू हो जाएंगे,
इससे ज्यादा नहीं मिल रहा ना मुझे। नजदीक के किनारे जो छोटे छोटे बोल्डर्स हैं उनको तोड़ना पड़ेगा, इससे ज्यादा मेटल मिलेगा। 14 लगभग 100 प्लस मेटल में लेके जाता हूँ गाइस अपने घर पे। बारिश भी वैसे आ चुकी है, खतरनाक वाली बारिश हो रही है यहाँ पे। 28 200 टोटल मेटल जो है गाइस वो ले लेता हूँ। 100 मेटल हमारे पास आ जाएगा, फिर वो फिर मैं शिफ्ट स्प्लिट करके पिघलाने के लिए डाल दूंगा। स्टैमिना खत्म। पिराना देख लो, पिराना के बच्चे इधर आ भाई। पिराना का मीट जो है ना गाइस वो मुझे चाहिए था अपने रैप्टर उसके लिए भाई। 100 भी नहीं हुआ अभी तक। अपने ऑटर के लिए पिराना का मीट चाहिए था मुझे। ठीक है, मुझे लगा था 100 मेटल हो गया होगा, मेरे पास अभी तक 100 मेटल भी नहीं हुआ। ये एक तोड़ने से 4-5 मेटल मिल रहा है खाली। अभी जाके कहीं पे 100 मेटल हो चुका होगा मेरे पास। 30 ऑलमोस्ट 37 ठीक है, लगभग 130 मेटल हो चुका है। मैं और थोड़ा मेटल इकट्ठा करता हूँ। 200 मेटल तो कम से कम गाइस मुझे लेके जाना है यहाँ पे। अगर अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो कर देना गाइस, ठीक है, फटाफट से। पानी के अंदर मेटल इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे पास फ्लायर आ जाएगा ना तो लावा माउंटेन से भी मेटल लेके आ जाएंगे। पीजी पीजी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 21 कितना हो गया, 200 186, जरा सा बस और जरा सा चाहिए। 200 के लिए बस और थोड़ा सा मेटल बाकी है, लगभग 16-17। 10 मिल गया, 15 इनफ है। चलो चलते हो मेटल पिघलाने के लिए डाल देते हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही मेटल मेरे हिसाब से। पिराना जा रही है क्या, थोड़ी मछलियाँ भी चाहिए मुझे। मछली है क्या कोई पानी में? ऑटर जो है ना गाइस उसको खिलाने के लिए थोड़ा बिशमिट चाहिए मुझे, इसके लिए मैं मछली ढूंढ रहा हूँ। ये रही मछली, रुको मछली को मार देता हूँ, इससे मेरे को मीट मिल जाएगा, ठीक है। चलो चलते फटाफट से घर पे और ये मीट जो है ना गाइस मैं ऑटर के अंदर डाल देता हूँ अपने छोटू से। यार स्टैमिना खत्म हो गया टाइम पे, अपना टाइम पे का स्टैमिना खत्म हो गया। रुक जाओ, हाँ यहाँ पे स्टैमिना रिकवर कर लेता हूँ। टाइम पे गाइस अपना स्टैमिना खत्म हो गया, आराम से काम 25। चलो अभी चलते हैं फटाफट से गाइस यहाँ पे अपने घर पे, और घर पे चल के यहाँ पे अपने घर पे जो है गाइस पहले तो फिश मीट जो है वो मेरे ऑटर को खिलाऊंगा, और जो अपने फोर्ज है उनके अंदर मेटल जो है गाइस वो आराम से पिघलाने के लिए डाल दूंगा। पिघलने के लिए डाल दूंगा, ठीक है, कोई सीन नहीं है। चलना लेट्स गो, आराम से चलते धीरे धीरे करके, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अपन ने आज भाई रैप्टर्स भी टेम कर लिए हैं, रैप्टर के बच्चे जो है गाइस वो भी धीरे धीरे करके बड़े हो रहे हैं। मेटल कितना है, 200 ना, काफ़ी ज़्यादा मेटल है, काफ़ी ज़्यादा मेटल है। फ्लिंट तो मैंने कचरे की तरह इकट्ठा कर लिया है। ऑटर के अंदर मीट थोड़ा सा पड़ा हुआ है, ये ले मीट ले ले, ठीक है। इसके अंदर मैंने थोड़ा फिश मीट जो है वो भी डाल दिया है। फ्लिंट जो है ना गाइस वो मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पे डालना चाहिए ताकि इसकी मदद से मैं स्पार्क पाउडर बना सकूँ, ठीक है गाइस। रुको, ये फ्लिंट एंड स्टोन जो है यहाँ पे डाल के मैं थोड़ी स्पार्क पाउडर बनाता हूँ, थोड़ा सीमेंटिंग पेस्ट भी जो हमको बाद में जाके ना काम आ सकता है फ्यूचर में। थोड़ा फ्लिंट जो है गाइस वो बचा के भी रखता हूँ जिससे हम लोग हैरोज वगैरह बना सकें, ठीक है, और फाइबर भी यहाँ पे डाल देता हूँ। तो गाइस आज का ये वाला एपिसोड फिर हम लोग एक काम करते हैं यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। सो हमारे जो रैप्टर्स हमने टेम करे उनके लिए काफ़ी ओपी वाले नाम नीचे कमेंट्स में ज़रूर डाल देना। बाकी आज का एपिसोड हो जाता है यहीं पे ख़त्म। ज़्यादा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। And how careless we be. Yeah. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.